अब चलिए गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। बिल्कुल, और इसी दरमियान आपको बताएं कि कौशाम्बी में 292 करोड़ की लागत से बने एक पुल में दरार आ गई है, जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। रेलिंग के बगल वाले एरिया में दरारें आने लगी और उस जगह पर करीब 4 इंच का गैप हो गया है। जैसे ही पुल में दरार की खबर अधिकारियों को लगी, पुल पर मात्र सीमेंट का लेप लगाकर पुल के गैप को छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन शायद अधिकारियों को नहीं पता है कि वो मात्र स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी के नाम पर बने पुल की कमियों को ही नहीं, अपनी नाकामियों को भी छिपा रहे हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि इस पुल से लगातार ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, इसी के चलते पुल में दरारें आ गई हैं। राज्य सेतु निगम के अधिकारी पुल पर आई इस दरार पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कौशाम्बी से प्रतापगढ़ की दूरी कम करने के लिए लोगों की मांग पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शहजादपुर गांव के सामने गंगा नदी पर इस पुल को बनवाया था, जिसकी लागत 292 करोड़ रुपए आई थी। लेकिन इस खूबसूरत पुल में तकनीकी खराबी के चलते दरारें आ गई। राजस्थान से अगली खबर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 2.5 करोड़ से ज्यादा हवाला रुपए जब्त किए हैं। ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना इलाके की है। टेबल पर रखे पैसे पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी की थी। कोटा उदयपुर हाईवे सेमलपुरा चौराहे पर पुलिस ने एक लग्जरी कार को रोका तो चेकिंग के दौरान गाड़ी से 2.6 करोड़ रुपए बरामद किए। पुलिस ने उदयपुर के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। ये पैसे हवाला के बताए जा रहे हैं। 27 से पूछा गया तो पीछे वाली सीट पर ये 5 कट्टे पड़े हुए थे, सीट के नीचे थे, जिनको खोलकर चेक किया तो उसमें पैसे थे। ये पैसा कहां से आया, किसको जा रहा था, इस संबंध में भी इंक्वायरी की जानी है। ये सारी रकम गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रखी हुई थी। प्लास्टिक की 5 थैलियों में जब पुलिस ने इतना सारा कैश बरामद किया तो पुलिस को पैसे गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। ये सारी रकम उदयपुर होते हुए गुजरात की तरफ ले जाई जा रही थी। आशंका है कि इन पैसों का इस्तेमाल गुजरात इलेक्शन में होने वाला था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।